नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। देश में बागेश्वर बाबा को लेकर तकरार अभी थमी नहीं थी कि अब मार्केट में एक और बाबा की एंट्री हो गई है। बाबा का दावा है कि वो सिर्फ मंत्र बोलकर बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। बाबा बस ओम शिव बोलकर ऐसा कुछ कर देते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक तक की याददाश्त खत्म हो जाती है। अब मेडिकल साइंस बेशक इत्तेफाक ना रखे, लेकिन दावा तो ये भी है कि बाबा एक ही झटके में लंबाई तक बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, बाबा शरीर से आत्मा निकालने का भी दावा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कारी बाबा आखिर है कौन, तो आइए आपको बाबा का नाम और इनके पुराने कांड बताते हैं। इन बाबा का नाम है संतोष सिंह भदौरिया, मशहूर है बाबा करौली शंकर के नाम से। आश्रम यूपी के कानपुर में है और पिछले 3 साल से ये अपना दरबार चला रहे हैं। करीब 14 एकड़ में बाबा का आश्रम फैला हुआ है। बाबा के पास करोड़ों का साम्राज्य है। बाबा की सुरक्षा में हर समय गनर और बाउंसर लगे रहते हैं, और जब बाबा इतने चमत्कारी हो तो उनके आश्रम में भक्तों का रेला लगना तो तय ही है। यूं तो इनका काम धंधा काफी पहले से चल रहा है, लेकिन अब इनके सुर्खियों में आने का कारण भी जान लीजिए। दरअसल चमत्कार करने का दावा करने वाले करौली बाबा के दरबार में घरेलू समस्या से परेशान नोएडा के एक डॉक्टर ने मुराद पूरी ना होने की शिकायत कर दी। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी नाम के इस शख्स की शिकायत के अनुसार उसकी बात सुनते ही बाबा के बाउंसरों ने उन्हें पास के एक कमरे में ले जाकर लात घूसों और लोहे के सरिये से बुरी तरह पीटा। पिटाई में घायल डॉक्टर सिद्धार्थ की नाक की हड्डी टूट गई और सिर में भी कई जगह चोटें आई हैं। इसके बाद डॉक्टर ने बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद बाबा चर्चा में आ गए। बाबा के लिए गुंडई कोई नई बात नहीं है, वो जुर्म की दुनिया के पुराने चावल हैं। किसान नेता से नेता और नेता से बाबा बनने का संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा का इतिहास काफी दिलचस्प है। 90 के दशक में संतोष सिंह कई घटनाओं में गंभीर धाराओं में आरोपी भी हैं। साल 1992 से 95 तक बाबा के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। यहां तक कि 1994 में बाबा पर NSA भी लगाया गया था। साथ ही बाबा पर आरोप है कि बिधनू में भूदान पट्टा सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर बाबा ने अपना आश्रम बनाया है। और बता दें कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के चलते सनातन धर्म पर उंगलियां भी उठती हैं। लोग इन बाबाओं को ही नजीर बनाकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देश और राज्यों की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। VK News, राष्ट्र के नाम।